प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में। अभी पिछले 3-4 महीने से कुछ पुलिस अधिकारी रिटायर्ड मेरे संपर्क में थे और बार बार उन्होंने मुझसे बात बोली कि आप सोशल वर्कर हो और समय समय पे समाज के अंदर कमियों और कुरीतियों के खिलाफ आप आवाज़ उठाते रहे हो। उन्होंने मेरे सामने एक विषय रखा कि दिल्ली पुलिस के अंदर 1500 से 2000 इंस्पेक्टर हैं, लेकिन कुछ खास ही लोगों को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार तक SHO लगाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं खास तौर से अलग अलग तबके से और वर्गों से आए हुए, उन लोगों को नहीं लगाया जाता SHO के पद पर, जबकि वो इंस्पेक्टर के रद्द कार्य रहते थे। इवन कितने सारे इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी SHO नहीं बन पाते। तो इसका क्या स्पष्ट कारण है? क्योंकि वही सब पुलिस वालों ने बराबर LLB का कोर्स किया होता है, सभी लोगों ने जो भी प्रोसेस का पुलिस का प्रोसीजर है वो सारा वो ये लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और लेकिन कुछ लोग पूरी जिंदगी भर एक बार SHO भी नहीं लग पाते, और कुछ लोग 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी उनके खिलाफ कंप्लेंट हो, विजिलेंस इंक्वायरी हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, कोर्ट के मैटर लिटिगेशन हो, लेकिन वो सब कुछ क्लियर करके फिर दोबारा SHO लगते हैं, और एक एक थाने में दो दो ढाई तीन तीन साल, 4-4 साल तक वो रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों की संख्या है। तो मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ, और आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से, और हमारे होम सेक्रेटरी श्री अजय कुमार भल्ला जी से, और हमारे देश के दिल्ली के बल्कि दिल्ली के कप्तान, दिल्ली पुलिस के कप्तान आदरणीय श्री SN श्रीवास्तव जी से, और समस्त स्पेशल CP और ज्वाइंट CP से मैं आज ये आग्रह करूँगा इस शब्दावली के थ्रू कि वो ये बताने का प्रयास अपने ही विभाग के पुलिस अधिकारियों को, खासतौर जो पिछले 5 साल के अंदर रिटायर हुए हैं, उनके तक जरूर एक लिखित सूचना पहुंचाएं कि ऐसा क्या प्रोटोकॉल और क्या ऐसी ट्रेनिंग होती है, क्या ऐसा बिहेवियर होता है कि कुछ लोगों को रिटायरमेंट होने तक भी एक SHO का पद नहीं मिलता, जिनके जीवन के अंदर लगभग 30 से 35 साल की वो लोग नौकरी करते हैं, और ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग जिनके खिलाफ कंप्लेंट होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, विजिलेंस इंक्वायरी होती है, कोर्ट लिटिगेशन पेंडिंग होती है, वह SHO भी लगते हैं, बार बार ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगते हैं। दिल्ली में मेरी जानकारी के अनुसार 53 TI इंस्पेक्टर हैं और वो बार बार लगते रहते हैं। इसका क्या प्रमुख और विशेष कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं ये चाहूँगा कि आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और जो हमारे अब होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला जी, और उनकी देखरेख में ये एक जाँच होनी चाहिए, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार होके कम से कम उन पुलिस अधिकारियों तक जरूर जाने चाहिए जिन्होंने अपना जीवन दिल्ली की जनता की सुरक्षा में और दिल्ली पुलिस के गौरव के लिए अपनी जान देकर कुर्बानियां भी दी हैं। बहुत बार उन्होंने सामना करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है, घायल हुए हैं, उनके परिवार ने भी ऐसी कई बहुत बड़ी समस्याओं का सामना किया है। ये एक जरूर आज चिंता का विषय है, जो मैं आज किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं, लेकिन ये एक सवाल बिल्कुल जेन्युइन है जो पिछले 4 महीने से मेरे जानकारी में कई लोग कह रहे थे, और मैं ये चाहता था कि वो क्या कहते थे कि ये बड़ा कठिन सवाल है, इसका सवाल पूछना हम डिपार्टमेंट में रह के कभी नहीं पूछ पाए, तो आप इसका प्रयास करें, इसको जानने का प्रयास करें, और इसका जवाब मिले तो इसकी लिखित सूचना जरूर दें, ताकि एक समानांतर प्रक्रिया और भेदभाव और द्वेष की भावना डिपार्टमेंट में खत्म हो सके, और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस जैसे आजकल नारा चल रहा है, उसी नारे के साथ मैं दिल्ली पुलिस के कप्तान जी से भी ये पुनः गुजारिश करूंगा कि अगर इसमें कहीं कोई कमी है या कुछ कहीं कोई आचरण में फर्क है तो जरूर इसके ऊपर ध्यान दें, ताकि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अपना एक बहुमूल्य समय उनका परिवार भी दिल्ली की जनता की सेवा में देता है और दिल्ली पुलिस की गरिमा के लिए अपना बलिदान देते हैं, उनको इस शब्दावली के बाद और आपके दिए गए जवाब के बाद उनको संतुष्टि मिल सके, गौरव का एहसास हो सके। इसी के साथ मैं शब्दावली को बना देता हूँ, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस।